डियर व्यूअर्स, आज मैं टी शर्ट पेंट कर रही हूँ जिस पर कि मैं आज एक स्केच बना रही हूँ। ये स्केच मैंने पहले एक A4 साइज पेपर पे बनाया था और बाद में मैंने कार्बन पेपर की हेल्प से इसको इस टी शर्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया था। ये ब्लैक कलर का कार्बन पेपर मैंने यूज़ किया है और पेंसिल से बाद में मैंने थोड़ा इसको हाईलाइट भी किया है, कुछ कुछ पार्ट मिसिंग हो गए थे। और बीच में अब ये मैं एक प्लास्टिक शीट लगा रही हूँ, आप न्यूज़ पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे कि दोनों पार्ट्स के बीच में, फ्रंट एंड बैक पार्ट के बीच में, जिससे कि कलर दूसरी साइड ना आए। और यहाँ पर ये मैं जो फैब्रिकल एक्रिलिक कलर्स के मैं पर्ल कलर्स यूज़ कर रही हूँ। और ये कलर्स मेरे पास पूरा सेट है इन कलर्स का, तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट शेड्स हैं। ये थोड़ी शाइनिंग आती है ऐसे करने में। और ये पूरे फेस पे मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी, खाली एक कलर से ही मैं पूरा नहीं करूँगी। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर कहीं यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप इसको मतलब सिंगल कलर में भी बना सकते हैं स्केच को, ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टी कलर ही बनाएं, क्योंकि ये बच्चे का स्केच है तो मैंने डिफरेंट कलर यूज़ करे हैं। और ये जो स्केच है थोड़ा नॉर्मल स्केचेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल स्केचेस होते हैं उसमें एक एक पार्ट जो होता है पूरा फेस का, नोज़ है तो प्रॉपर वो नोज़ बनी हुई होगी, है ना, उसकी एक एक चीज़ शेड्स होंगे, पूरा उस तरह से होता है। लेकिन ये जो मेरा स्केच है इसमें मैंने क्या किया है कि फेस के कुछ पार्ट्स को हाईलाइट किया है सिर्फ उनके फेस पे। जब हम आप कोई जैसे फ़ोटो देखते हैं तो फेस पर कई सारे शेड्स होते हैं, तो उस शेड्स के थ्रू ये मैंने स्केच बनाया है। तो ये जो स्केच बनाया है उसको फिर मतलब एक्चुअली जो मैं प्रॉपर स्केच होता है ना, अगर उसको मैं टी शर्ट पे पेंट करने जाऊँ तो वो इतना अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा नया तरीका एक निकाला है। हो सकता है ये नया ना हो, पहले भी हो चुका हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है अभी तक ये। मुझे लगता है शायद मैंने ही पहली बार ऐसा कुछ किया, पर आई मे बी रॉन्ग, पहले भी हुआ होगा ज़रूर, बट मेरी नॉलेज में नहीं है। तो ये तरीका निकाला है तो इससे मैं ये कर रही हूँ। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी टी शर्ट्स बनाई हैं इस तरह से, तो हर लोग सबको बहुत पसंद आई हैं। मैंने फैंडम टी शर्ट्स बनाई हैं, सलमान खान की भी बनाई है जो कि बहुत हिट हुई थी, और उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले ऐसी टी शर्ट्स बनाने के। ये भी एक ऐसे ही एक साल की बच्ची है जिसका मुझे मिला है, तो बहुत अच्छी लगती हैं एक्चुअली। किड्स में और यंगस्टर्स में बहुत क्रेज़ है इन टी शर्ट्स का, मतलब अभी तक जितने भी मुझे ऑर्डर मिले हैं उनके हिसाब से ज़्यादातर यंगस्टर्स और टीनेजर्स ने बनवाई हैं ये टी शर्ट्स में से, और फैंडम टी शर्ट्स भी बनाई गई हैं। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेंसिल से थोड़ा करेक्ट कर रही हूँ इसको। बाद में एक थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो जब मैं ये एडिट कर रही थी मेरे से एक दूसरी टी शर्ट की भी मैंने वीडियो एक्चुअली इसमें डाली थी, और वो मेरी वीडियो जो है वो डिलीट हो गई मुझसे गलती से, ठीक है। तो मैंने अब वो तो मैं रिट्रीव नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए अब विदाउट दैट वीडियो मैं यही वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और एक और चीज़ हो गई थी जो मेरी दो वीडियो एक्चुअली डिलीट हुई हैं, तो उसमें मैंने इस टी शर्ट का जो बाकी का मैंने स्टिकर टाइप ये बनाया था वो पार्ट डिलीट। आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं ये मैंने अंदर वाइट कलर पूरा कर दिया है फेस पर, और किनारे पर भी वाइट कलर कर दिया है ये वाला, और बॉडी पे भी वाइट, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है।
ये दूसरी टी शर्ट है जिसका वीडियो भी डिलीट हो गया था मुझसे गलती से, सोर्स वीडियो एक्चुअली डिलीट हो गया। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ये ब्लैक कलर की टी शर्ट थी तो उस पर जो ट्रांसफ़र था, ट्रांसफ़र जो मुझे करना था स्केच, वो मुश्किल हो पा रहा था, मुश्किल हो जा रहा था, तो मैंने इसकी सारी जो बैकग्राउंड है उसकी पर्ल मेटालिक कलर से इसको सारी बैकग्राउंड वो कर दिया। उसके बाद मैंने स्केच उस पर ट्रांसफ़र किया एंड देन बीच में मैंने वाइट कलर कर दिया, क्योंकि पर्ल पर्ल कलर है वो थोड़ा सा वो पैची सा हो गया था, क्लियर नहीं आ रहा था, फेस अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर से ये वाइट कलर कर दिया। अगर मैं आगे कोई भी टी शर्ट बनाती हूँ, स्केच टी शर्ट बनाऊँगी, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर दिखा सकूँ कि मैंने कैसे स्केच बनाया और मैंने टी शर्ट पर ट्रांसफ़र किया किस तरह से किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई दिस टी शर्ट एंड द वीडियो इज़ इन हिंदी, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी इन कॉमेंट्स, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड will try to solve your problems. Thank you. Bye-bye. Take care.